अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और थैंक यू वेरी मच मेरा जो लास्ट व्लॉग uh, था उस लोगों को बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और uh, मुझे बाकायदा मैसेजेस आ रहे थे और चीजें आ रही थी और स्पेशली uh, मेरे जो हमने मैंने टिकटॉक पे भी डाला यूट्यूब पे भी डाला था उसके ऊपर बहुत जबरदस्त उसका रिव्यूज आया और चीजें आई उन्होंने कहा कि और भी आप प्लीज बनाया करें और हम लोगों को बताया करें कि आगे क्या स्ट्रेटजीज uh, होने वाली है क्या नहीं स्ट्रेट अवे कि अभी माहौल क्या चल रहा है और माहौल इस टाइम के ऊपर बहुत ही जबरदस्त चल रहा है जना एक नाम है इमरान खान इमरान खान जिसका नाम है लोग समझते हैं कि यार वो तो बेवकूफ़ सा आदमी है बिल्कुल और क्या सियासत में आ गया और और चीजों के अंदर आ गया और अः जो है जब वो पॉलिटिक्स में भी आया उसको बड़ा बुरा भला कहा चीजें की और उसको कहा कि भाई तुम तो इतने सीधे आदमी हो तुम नहीं चल सकते चीजें नहीं कर सकते हो तुम लोगों को ये नहीं पता है कि ये पॉलिटिक्स के अंदर आने से पहले जब ये बाहर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर तो इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर सेकंड हाईएस्ट ग्रेड उठाए थे पॉलिटिक्स के अंदर और इन इनका जो दिमाग है वो आप इससे अंदाजा करें कि 92 के वर्ल्ड कप के अंदर जब ये एक शेर का एक टी शर्ट पहन के ये ग्राउंड में गए थे और इनकी स्ट्रेटी जो उन्होंने वहां से बनाई हुई थी इंग्लैंड के साथ मैच था जब इनसे पूछा गया कि व्हाट आपने उस दिन शेर का पहन के गए थे क्या आपकी क्या आपकी थी उन्होंने कहा मैंने उस टाइम पे ऊपर तरीके से इंग्लैंड के जो है लोगों को ये बताया था कि हम शेर की तरह तुम पे झपटेंगे और ये जो तो शेर पहन के गया था मैंने इसीलिए स्पेशली पहन के गया था कि मुझे लोग पूछे मुझसे कि ये क्यों पहना हुआ है तो आप अंदाजा करें ये बंदा की इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती है कितना एक अमेजिंग uh, कहा जाए ना कि अगर इनका दिमाग जो है इज अमेजिंग काइंड ऑफ थिंकिंग बट उसके साथ सच्चे आदमी मेन चीज ये आदमी है कि प्लस होता है कौम और लोगों के लिए कुछ करना चाहता है लोगों के लिए यानी कि आप अंदाजा ये करें कि एक क्लिप था कि सलीम सहाफी का कहता है मेरी माँ जिंदा है और इमरान खान की माँ जिंदा नहीं है तो उसको फिक्र करनी चाहिए और उसके बाद लोगों ने जियो ही टीवी के ऊपर जो लोग कैंसर के मरीज थे उनकी माँ ने जिस तरह दुआएं दी और चीजें दी तो ही दिस गाय इज अ ये पाकिस्तान नहीं ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंटरनेशनल लीडर है और ये इंटरनेशनली जिस तरह से चल रहा है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है लेट्स कम टू द मेन टॉपिक जहां तक मैंने आपको थोड़ा सा एक तजिया दिया था कि ये इतनी छोटी छोटी चीजों को देख के चलते हैं तो हम और आप अगर देखें तो इससे पहले जो है जब ये सारे मामला इलेक्शन खोलो और इतनी चीजें करो और इन्होंने बहुत जोर लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव नहीं ले रही थी बहुत प्रेशर डाला बहुत प्रेशर डाला नहीं ले रही थी फिर क्या कह रहा है इमरान खान ने इतना बंदों को बाहर निकाल दिया चीजें कर दी कि ऐसा माहौल बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ गया सो मोटिव और उस टाइम पे शेख रशीद ने बहुत बुरा वाला कहा है कि अरे हम आ गए थे हम लोग कब्जा कर लेते इस्लाबाद इस नहीं।, नहीं सो मोटिव लेने का मकसद ये बढ़ाना पड़ेगा और अदालतों ने एक छोटा सा सीन उठाया कि जी इसने बाहर वो लिया हुआ था और बाहर वो लिया हुआ था अपना आ, उसका अः अकामा और अकामे के बुनियाद के ऊपर उनको निकाला जो कि ये आगे चल के उनको पता था कि ये आगे चल के इसको बंद भी हो जाएगा ये बट एनी इनका जो मेन मोटिव था वो चीजें हो गई। अभी की सिचुएशन नहीं बताता हूँ कि क्या हुआ इमरान खान साहब ने जब भी देखा ये सारा माहौल है लास्ट बॉल के ऊपर जो कह रहे थे बार बार के लास्ट बॉल लास्ट बॉल लास्ट बॉल के ऊपर उन्होंने सारे अहम जो पीछे जितने भी मामला थे जितने भी लोग थे जो पीछे इसके ऊपर उन सबके चेहरे पहले नमोदार कर दिए कर दी और मोमेंट स्टार्ट करवा दी चीजें करा दी बट इन्होंने तुरु का पत्थर अपने पास ही रखा सदर को नहीं हटाया और लोग समझ रहे थे अरे हम तो आ गए चीजें आ गई वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा अब सीन सिचुएशन यह है कि सदर साहब इस टाइम पे बड़ी की पोजीशन पे और गवर्नर बड़ी की पोजीशन पे हमजा नवाज इस टाइम के ऊपर अपनी ओत लेने के लिए बैठे हुए हैं और जो उनके नए गवर्नर आए हैं उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो मामला ही गलत हुए ये तो इलेक्शन ही गलत हुए सारे तो अब ये कानूनी तौर पर ऐसे पसगह है इस टाइम के ऊपर की माहौल ऐसा हो गया कि उनको सदर साहब की तरफ देखना पड़ रहा है और सदर से कोई मामला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इस सदर को हटाना है इनको टू टू सिक्स वोट इनको चाहिए सदर को हटाने के लिए जो के इनके पास है ही नहीं और आगे चल के अभी जो फटे शुरू होंगे इनके तीन चार सीटों का इनका जो डिफरेंस है जो जो चीजों का है वो भी इनके साथ हटते जाएंगे लोग हटते जाएंगे तो इमरान खान ने जो ये मूव चली है बहुत ही खूबसूरत मूव है इस टाइम के ऊपर सदर को जब चाहे सदर जो है वो तारीख अज़म अहतमाद के लिए वजीआम से बोल सकता है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट लीजिए अब सीन क्या है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए फिर खड़े हो जाएंगे लोग नो कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे चीजें क्या टाइम खींचेगा क्यों क्योंकि टाइम जब इनके पास तो है ही नहीं कभी एक बंदे को मना रहे हैं कोई दूसरे बंदे को मना रहे हैं कि तीसरे बंदे को बना रहे हैं इनका एक महीने के बाद अगर वो नहीं होता तो फिर सदर बोल सकते हैं फिर ले लो तो ये सदर के इख्तियारत में है कि वो जितनी चाहे मर्जी कर ले इस टाइम के ऊपर जो नाकदीन है जिसमें नजम सेठी हो गया और लोग हो गया जो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़े मीडिया के तय समझते हैं उन सब के अंदर एक खौफ का सबसे बड़ा जो इस टाइम पे मैटर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इमरान खान जो है वो अक्सरियत के हिसाब से अगर आ गया तो उस वो जो है ना इनके लिए मौत होगी क्योंकि इमरान खान ने बार बार ये कहा है कि अगर मुझे अक्सरियत के साथ लेके आओगे तो फिर मैं सफाया करूंगा बिल्कुल अरतकुल गाजी की तरह आप समझिए कि इमरान खान इस टाइम के लिए तैयार बैठे हुए बट उनको चाहिए क्योंकि इस टाइम के ऊपर ना नवाज लीग डिलीवर कर सकते हैं ना उनके पास केपेबिलिटी है माल खाने में पैसा मौजूद है जो कि ये यूज कर रहे हैं मीडिया भी इस टाइम के ऊपर पूरा खुल के सामने आ गया अच्छी चीज क्या हुई है इस टाइम के ऊपर कि इस टाइम के ऊपर इमरान खान के निकलने के बाद जितने ब्यूरोक्रेट्स और जो अंडर द टेबल इस टाइम पे काम कर रहे थे नवाज शरीफ ग्रुप के लिए वो सारे नमोदार हो गए इस टाइम के वो चाहे जो है वो पंजाब में हो चाहे वो सिंध में हो सारी जगहों के ऊपर वो नमोदार हो गए भाई हमारी गवर्नमेंट आ गई पर उनको ये नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट कुछ महीनों की भी मेहमान नहीं है अब उसका फायदा क्या हो रहा है कि एक तो ये चीज हो रही है कि इमरान खान को सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है की तरफ से भी और तरफ से भी और आगे के लिए आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब यहाँ आना चाह रहे हैं इस टाइम पे एक डेलीगेशन गया हुआ है जो लंदन के अंदर है यहीं पे मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ मिल के इनको ये समझाना चाह रहा है नू लीग को या नवाज शरीफ साहब को कि अभी आपके हालात सही नहीं आप ना आए अभी इस टाइम के ऊपर मामला इस तरह के चल रहे हैं कि उनको यहाँ से अपने मामला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान क्या पोजीशन लेने वाले है? किसी को नहीं पता पोजीशन आगे चल के होगी है इस्लामाबाद की तरफ ले जाने से पहले इसी तरीके से लॉन्ग मार्च करेंगे जिस तरीके से बिलावला और लोगों ने करी थी और ये उनको बहुत खतरा है कि इतनी बड़ी आवाम जब चलना शुरू होगी तो एक जमे गफीर होगा और इस टाइम फौज इस टाइम के ऊपर पूरी तरीके से अंडर प्रेशर है फौज ने इमरान खान को बहुत हल्का लिया था बहुत उनको नॉर्मल तरीके से कहा था कि जिस तरह होता है पर उनको ये नहीं पता था कि ये सच्चा आदमी है और ये जो बातें कर रहा है वो एक इंटरनेशनली पाकिस्तान को बनाने की बात कर रहा है जो कि एक्स आर्मी के जितने भी लोग थे उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे भी आके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल के भी अपने जज्बात को बताया है सारी चीजों की तो इस टाइम पे बाजवा साहब के पास भी एक ही ऑप्शन है जो कि अपनी इज्जत और अदलिया की इज्जत बचाने के लिए के फौरी इलेक्शन करा जाए और अगर इलेक्शन हो गए और इमरान खान अक्सरियत के हिसाब से आ गए तो दो इदारों को इस टाइम के ऊपर अपने आप को सेट करने की जरूरत पड़ेगी एक अदलिया है एक स्टैब्लिशमेंट है सारे बाकी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने हैं वो तो इमरान खान खुद ही सही कर लेगा सारी चीजें कर लेगा और जहां तक इमरान खान का जो एक बयान था फौज के लिए वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बयान दिया था कि फौज से किसी को भी जो है वो खिलाफ नहीं बोलना चाहिए फौज हमारी है तो हम है पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम पाकिस्तान आर्मी की रिस्पेक्ट करें पाकिस्तान आर्मी का साथ दें बट इनकी जो ऊपर की पॉलिसीज है जो ऊपर के पॉलिसी मेकर्स हैं इनको खुद समझ आ गई है कि हमने गलत बात ले लिया है हम फंस गए हैं इस टाइम के ऊपर हमको निकलना है और वो इस दलदल के अंदर वो लोग फंसे हुए है। हैं तो इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट मूव है वो यही होगा अभी इमरान खान लाहौर में जलसा कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर जो माहौल होगा वो आ, बहुत ही जबरदस्त मजेदार माहौल होगा और लोग जिस तरीके से खड़े हुए हैं यकीन करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि 1947 की जो चीजें हैं वही खड़ी हो रही हैं लास्ट के अंदर मैं कराची के जलसे को जरूर बात करूंगा कराची के अंदर जो जलसा हुआ है उसमें इतनी बड़ी तादाद जो निकली है वो ना कराची में पानी ना वहाँ पे मर्दम शुमारी ना वहाँ के हालात सारी चीजों के बावजूद कराची के अवाम ने ऐसा जबरदस्त जलसा किया है और इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं कि अनबिलीवेबल बट कराची के साथ हमेशा से जुल्म हो रहा है हमेशा से सारी चीजें रहेंगी और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी कराची के लोग रहते हैं वो आज तक एक चीज को फेस करते हैं कि तुम तो कराची वाले हो तुम तो कराची के लोग हो तुम तो ये पाकिस्तान के अपने अपने अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो सोच है वो भी ऐसी होती है अच्छा जी कराची के तो ये नफरत वाली चीजें इंसान निकाले कराची के लोगों ने जितना उर्दू स्पीकिंग वहां पर रहता है जितना पंजाबी रहता है जितना बलोच रहता है जितना और अकेतों के लोग रहते हैं सब कराचियन है और हम कराची के अवाम को सलाम पेश करते हैं क्योंकि कराची के अवाम ने वही जज्बा दिखाया है जो 1947 में उनके माँ बाप उनके बहन भाई उनके पूरे खानदान जो कट के पाकिस्तान के बनाने के लिए लगे थे आज उन्होंने ये अपना दिखाने के बाद कि इतने बुरे हालात के उनकी कोई चीज नहीं कोई सुन नहीं रहा था पर उसके बावजूद वो खड़े रहे उन सबको सलाम है और आखिर के अंदर मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान के लिए सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इमरान खान जैसा शख्स वापस नहीं आएगा इसकी जान को खतरा है पूरी दुनिया को पता है सारी चीजों को पता है बट इमरान खान को जो चाहिए वो लॉयलिटी चाहिए आप कोई सीटों के को जरिए नहीं भागे अगर आप आने वाले दिनों के अंदर तारीख इंसाब को ज्वाइन करें चीजें करें इसके नजरिए को लेकर चले ये कह क्या रहा है इसको करने दे दें और आ, जहां तक हम लोग हैं सोशल मीडिया पे हम लोग या जो जर्नलिज्म कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं हमको भी बाकी बड़े लोग आवाम आवाज लगाते हैं कि यार आप तो वन साइडेड बात कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं वन साइडेड हम सच और हक की बात कर रहे हैं कि नेगेटिविटी जहाँ पे है वो नेगेटिविटी है इनकी गवर्नमेंट के अंदर खराब जो लोग थे वो अभी भी खराब है जो अभी भी साथ में है आने वाले दिनों के अंदर वो लोग भी सारे खुल के सामने आएंगे बट ये बात है सिर्फ पाकिस्तान की ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है तो आने वाले दिनों के अंदर ब्लॉग आप देखते रहिएगा और अगर कोई सवाल है कोई ऐसी चीज़ है तो डेफिनेटली आप अपना मैसेज भी लिखिएगा और हम बात भी करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान इस टाइम के ऊपर मूव वही है ये पूरे ममालिक से लेके चलेंगे अपने सारे जो आ, जो शहरों से है जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे ये मेरा प्रडिक्शन है और सेकंड चीज ये है कि कराची को अगर इमरान खान यूज करना चाहें तो इससे बढ़कर कोई काम नहीं होगा वो यही होगा कि वन टू थ्री और कराची बंद कराची बंद होगा तो वहाँ की इंडस्ट्री बंद होगी इंडस्ट्री बंद होगी तो हुकूमत नहीं चल सकती ये पाकिस्तान के अंदर बहुत शहर आ गया है कराची कराची के अंदर एक जगह है लालू खेत लालू खेत का जितना टैक्स है वो पूरा लाहौर को मिलाएंगे तो उतना टैक्स नहीं बनता जितना लालू खेत का सिर्फ एक टैक्स होता है तो कराची को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से आखिर में फिर कराची वालों आप लोगों को बहुत सलाम है आप लोगों ने जिस मुश्किल माहौल में ना पानी ना रोटी ना कुछ कुछ भी नहीं है वहां पे बना है और उसके बावजूद आप लोग खड़े रहे आप लोगों को सलाम है और आने वाले दिनों के अंदर आ, देखते हैं कि बहुत जबरदस्त माहौल होगा और देखते रहे मेरा वी वीलॉक यूट्यूब चैनल पे ट्रिपल आर टीवी के नाम से है और इसके अलावा हम फेसबुक पे है वन वर्ल्ड शो भी करते हैं तो हम लोग जुड़े रहिएगा और लाजमी आने वाले दिनों के अंदर अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं तो जरूर बताइएगा